इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच सबसे पहले देखा, मजा आया। और श्रीलंका पर बहुत बड़ी जीत हासिल करी है आज टीम इंडिया ने, क्यों नहीं? जी जी, बहुत मजा आया देखा हमने। कैसी परफॉर्मेंस थी इंडियन क्रिकेटर्स की? इंडियन क्रिकेटर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उन्होंने पहले ही एक आउट हो गया था शुरू में 10 से पहले, तो आगे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद सिराज ने तो आते ही कहते पूरा गेम बदल दिया, बिल्कुल वो सोच बदल दी है, जज्बात बदल दिए। विराट कोहली बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया, एक शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, श्रियाज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब इंडिया टोटली परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप के अंदर नया क्या है? कि ये नया है कि इंडिया 7-7 मैच जीत चुका है, या ये नया है कि इंडिया के इस दफा जो जलवे हैं वो बहुत ज्यादा निराले नजर आ रहे हैं? बस इंडिया की सरजमीन है, वो अच्छा खेल रहे हैं उधर, यही बात है, यही नहीं है, इंडिया की सरजमीन है। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी, अभी हमने इंडिया के 7 मैच देखे, बाकी 2 रह गए हैं, क्या लगता है कि वर्ल्ड कप भी इस दफा इंडिया में ही रह जाएगा? वर्ल्ड कप का तो नहीं पता, सेमीफाइनल वो जीतते हैं कि नहीं जीतते, ये 2 मैच जो अगले हैं वो भी वही जीतेंगे, इंडिया जीतेगा। आपको लग रहा है? हाँ लग रहा है। कोई भी टीम इंडिया को हरा क्यों नहीं पा रही? कोई एक मैच तो हार जाते ना, हमें लगता चलो 7 खेले हैं, 1 हार गए हैं। ये तो एक तो वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के अंदर भी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं इंडिया। परफॉर्मेंस की बात है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो ये ऐसी परफॉर्मेंस हमें अपने क्रिकेटर्स में दिखने को क्यों नहीं मिल रही? बस अपने क्रिकेटर्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, ये बात है। यूनिटी नहीं है हमारे क्रिकेटर्स में। अच्छा। अगर ओपनर स्कोर करते हैं तो मिडल ऑर्डर नहीं करता, मिडल ऑर्डर करता ओपनर नहीं करता, इस वजह से बस। अच्छा बॉलर, एक बॉलर अच्छा बॉलिंग कर लेता, 2 अच्छे नहीं करते, फिर इस वजह से हम हार रहे हैं। आपने कहा इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सब देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो खिलाड़ी वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जब इंडिया के बार बार जीत देख रहे हैं, यार उन्हें भी तो थोड़ा फील होता होगा कि हम तो हार रहे हैं और इंडिया जीत रहा है। वो बस बैड लक चल रही है, इंशाल्लाह कुदरत का निजाम है, हो सकता है क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। वाह बेटा, बाकी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो आपकी क्या विषय है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर होना चाहिए? जी जी होना चाहिए, हमारी तो विषय ही है, क्योंकि मेन मैच ये होता है, सबसे बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अभी तो इतने बुरी तरह हराया, फिर रेडी हो गई हार, क्या पता हम हरा जाए इस बारी, पिछली बार नहीं था हरा है, इस बार भी शायद हरा जाए। क्रिकेट बाय चांस होती है, यही बात है, क्रिकेट है हार जीत गेम का हिस्सा, गेम का हिस्सा। जबरदस्त, आप क्या कहेंगे, इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच आज देखा, इंडिया ने श्रीलंका को बहुत बुरी शिकस्त दी और ये मैच भी अपने नाम कर लिया। इंडिया बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, वो जाहिर है प्लानिंग के साथ खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और पाकिस्तान को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान जो अच्छे बैट्समैन हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान हो गया, बाबर आजम, ये यानी कि अपनी प्लानिंग के साथ खेले तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया इतना अच्छा प्ले कर रही है, हमारे पाकिस्तानी टीम को उनसे सीखना चाहिए ना? जी जी इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक दो प्लेयर जो है ना अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, ये खेलते नहीं ठीक है। जो बाकी जो है हारिस रऊफ का, ठीक है, अगर वो उसको थोड़ा आराम करवाना चाहिए, अगर नहीं वो खेल रहा उसकी जगह आप हसन अली को रख लें, ठीक है, वो एक और है उसको रख लें आप। एक होता है जीतना, एक होता है शानदार तरीके से जीतना, इंडिया ने 7 मैच जो खेले हैं उसमें वो जीता नहीं बल्कि बड़ी शानदार तरीके से जीता है, तो ये जो एक उनकी फॉर्म दिख रही है, उनकी जो मेहनत दिख रही है, जो स्ट्रगल दिख रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे और कितना इम्प्रेस कर रही है आपको ये? ये इंडिया की टीम ना जब खेलती है ना शुरू से, तो इनका ये होता है कि ये शुरू से तेज खेलती है, ठीक है, ये अपना शुरू से ऐसे खेलते जैसे 20-20 ओवर होते हैं, ठीक है, तो ये पाकिस्तान शुरू से स्लो खेलती है, ठीक है, फिर प्रेशर रिलीज होता है। अच्छा, इस दफा वर्ल्ड कप में दुनिया को इंडिया के बॉलिंग बहुत पसंद आ रही है, इंडिया के बॉलर्स उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, उनके स्पिनर सब बहुत पसंद आ रहे हैं, तो बॉलिंग पे इंडिया ने जिस दफा मेहनत करी है उसके बारे में क्या कहेंगे? बॉलिंग में जाहिर है कि उनकी पिचेज हैं ऐसी हैं कि वो उनको अपने पिचेज का बहुत अंदाजा है, तो आपने कैसे खेलना है, कैसे स्ट्रगल करना है, ठीक है, आप कोशिश करें कुछ सीखें, बड़ी टीमों के जैसे इंग्लैंड है ऐसे कोई मैच नहीं जीती, क्यों उनके प्लानिंग नहीं थे, ऐसे आप खेलें सीखें, बहुत कुछ सीखें, एंजॉय करें क्रिकेट को बस। फाइनल किसका देखना चाहेंगे वर्ल्ड कप में? फाइनल जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल की जी तीसरी चौथी फरमाइश आ गई, मतलब बड़ा क्रेज है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या सेमीफाइनल हो जाए या फाइनल हो जाए, एक दफा फिर से 2 जज्बों की आपस में टकरार होगी। या 7वां मैच भी जीत चुका है श्रीलंका के खिलाफ, तो उनकी इस फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? ये है कि उनका ये बेसिकली एक तो उनकी टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और उन्होंने हालांकि पहले ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जैसे कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने शो की है, उन्होंने अपनी टीम को एज अ बेस्ट स्ट्रेटजी अपना के अपने आप को आगे लेके गए हैं, और दूसरा
बेसिकली उनका होम ग्राउंड भी यही है exactly, तो उसकी वजह से वो एज जाता है उनको, क्योंकि पिच उनकी होम ग्राउंड की जो पिच है उन पर उसकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से एक ये एज है। तो मेन जो चीज़ है वो स्ट्रेटजी का ही है। कोई भी बंदा स्ट्रेटजी अपनी, मैं अपनी टीम को भी यही कहूँगा कि स्ट्रेटजी अपनी अच्छी कर लें, आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे। औकात में रहो, औकात में। और हालांकि हमारी टीम में कोई अच्छा डिसीजन इन्होंने नहीं लिया कि एज अ टीम इन्होंने सही सिलेक्ट नहीं की, तो ये मैं कहूँगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा, कोई चांसेस नजर आ रहे हैं? ये अगर मगर की बात है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में यही है, अगर वो हार गई वो जीत गई तो इस तरह जा सकते, इफ बट का क्वेश्चन है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर जा सकते हैं। जैसे 1992 की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी रिपीट होती नजर आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं कि भाई 7 मैच में से एक भी नहीं हारा, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सेंस समझ आती है इंडियन? तो वो यही है ना, देखें अब अगर मैं अपने घर में खेलूंगा ना तो मुझे अपने घर की ऊंच नीच का पता होगा कि किधर मैं स्ट्राइक खेलूंगा तो अप जाएगा, किधर डाउन जाएगा। तो बेसिकली उनको ये एज है, और बाकी उनकी परफॉर्मेंस वाकई ही बहुत अच्छी है, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत। उनका जो बॉलर मोहम्मद सिराज है वो तो सारे के सारे मैच जितवा रहे हैं जी इंडिया को। नहीं, एक बॉलर पे डिपेंड नहीं करता, पूरी टीम पे डिपेंड करती, पूरी टीम पे डिपेंड, पूरी टीम अच्छी है, पूरी टीम अच्छी है उनकी। मिडल ऑर्डर देखें, फर्स्ट ऑर्डर जो है उनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म करें, यही मेन रीजन है। वर्ल्ड कप किसके हाथ आएगा? जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी के हाथ में जाएगा वर्ल्ड कप, उसके हाथ में आएगा। यहाँ पे भी बॉयज मौजूद हैं, इंडिया ने श्रीलंका को भी बहुत बुरी तरह हरा दिया, ये जो उनके अंदर जो जज्बा है, जो हम नारा लगाते हैं वो तो उस तरफ नजर आ रहा है हमें, वर्ल्ड कप का जज्बा तो इंडिया में दिख रहा है जी। एक तो वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं इसलिए, और दूसरी उनकी टीम में कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके यानी कि जो क्राउड है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनको बैटिंग में अच्छी यानी कि उनकी चल रही है, बॉलिंग पार्टनरशिप बन रही है, विराट कोहली कंसिस्टेंसी यानी कि चेज इंडिया ने भी आप बहुत जबरदस्त किया, बस सेंचुरी होते होते रहेगी बस उनकी, उसकी इस टाइम 49 सेंचुरी होने वाली रहती है। वो टेंडुलकर के बराबर होने वाले में सिर्फ एक सेंचुरी रहती है, टेंडुलकर की 49 सेंचुरीज है ओडीआई में, विराट कोहली की 48 सेंचुरीज है ओडीआई में, एक सेंचुरी रहती है। एक पिछले मैच में वो 95 पे आउट हो गए थे, आज वो 88 पे आउट हो, बस करीब करीब रह जाते हैं। इंडियन टीम में मोस्ट फेवरेट बॉलर या बैट्समैन कौन है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? विराट कोहली की क्लास की वजह से हर कोई इसे पसंद करता है, हर कोई इसे पाकिस्तान में खेलना देखना चाहता है। इंडिया ने 7 मैच जीते हैं, उस विक्ट्री पे क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? इंडिया का यही है कि पाकिस्तान ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में सारे मैच जीता था, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, शायद वो भी ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान की तरह जाके सेमीफाइनल में किसी भी हार जाए, उसके चांस है कि पाकिस्तान से शायद सेमीफाइनल आ जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड का इस टाइम रन रेट पाकिस्तान के बराबर आ गए हैं। अगर पाकिस्तान अगर अपने मैचेस जीतता है और न्यूजीलैंड एक भी मैच हारता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया के साथ आगे मैच टकराव का। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक दफा फिर देखने का जी, इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया दोबारा देखने को मिलेगा। जहाँ तक भारत की टीम की बात है, भारत तो टॉप 4 में जाना लगभग भारत का तय हो चुका है, और आगे भी उम्मीद है कि कप हिंदुस्तान में रहेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन आप ही का। और पाकिस्तानियों को भी पहनना भाई, उनको निचोड़ना, राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहनेंगे, पाकिस्तानियों को जरूर पहनना भाई, जहाँ मिल जाए फेसबुक ट्विटर यूट्यूब जहाँ मिले वहीं पहनो, राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहनेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।